ये मेरे को कॉस्ट पड़ा है 150 रुपीज। आगे मेरा एक फुल सीट कर रहा है, ये वाला न्यू सीट कवर बहुत मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी एक फिट हो चुका है भाई, जमशेदपुर में गीजा का पिरामिड बना रहा भाई। भाई कैसे गेट खुलता है यार डायरेक्ट, तुम देखो पीछे मून भी है इतना प्यारा सा और पिरामिड पे। एंड भाई ये चेक करो अगर। सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी मैं अपने रूम में, एंड आज मैं बहुत दिन बाद अपने रूम से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शायद पहली बार कर रहा हूँ। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत डील हो गया था मेरे वीडियोस आने में, एंड उसका भी एक रीजन है। सो ऐसा हुआ कि गाइज कुछ दिन पहले मैं गया था अपने स्टंट लोकेशन पे प्रैक्टिस करने, मैं सीखने जा रहा था चूरो। एंड उसके लिए क्या करना होता है कि सीट को अच्छे से टाइट करना होता है, क्योंकि अपना एक पैर सीट पे लॉक होता है एंड एक पैर हैंडल पे होता है। सो उसके वजह से बैलेंस बनता है एंड वैसे प्रैक्टिस होता है। सीट अच्छा से लॉक नहीं हुआ था मेरा एंड मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और उसी वक्त क्या हुआ गाइस, जो मेरा राइट वाला पैर है वो सीट से घूम गया एंड सीट भी घूम गया साथ में, हम लोग दोनों साथ में गिरे एंड मैं साइकिल के ऊपर गिरा। मुझे तो पैर में चोट आई बहुत ज्यादा, बट उतना चोट नहीं आया था गाइस, बट मुझे हड्डी में चोट लगी थी। सो उसकी वजह से मुझे उस टाइम चक्कर आ रहे थे, मैं उस टाइम लेट गया था एंड मैंने साइकिल नहीं देखा था अपना। बट फिर मैंने अपना साइकिल देखा तो भाई मेरी जो साइकिल है उसका सस्पेंशन टूट चुका था, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डैमेज हुआ होगा भाई, ऐसा क्रैश हुआ होगा मेरा। बट कोई ना, मैंने साइकिल बना चुका है, वेल्डिंग करवा लिया अपने पापा से, मेरे पापा ही ने वेल्डिंग कर दिया। गाइस मेरे पापा मल्टी टैलेंटेड है भाई, उनको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, वो वेल्डिंग कर लेते हैं, वो लकड़ी का काम करते, सब कुछ कर लेते भाई। सो अभी तो मेरा साइकिल फिलहाल ठीक है यार, मम्मी ने बोला दूध लाने, सो अभी चलते हैं, मम्मी का काम मानते हैं एंड दूध लेके आते हैं। चलो लेट्स गो गाइस, अभी निकालते हैं अपने स्कूटी को। सो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं रिलायंस फ्रेश, वहां से लेते हैं दूध। पहुंचने वाले हम लोग रिलायंस फ्रेश एंड वहां से पहुंच के अभी लेते हैं दूध एंड फिर चलते हैं घर। ये गाइस रिलायंस फ्रेश, हमारे यहां का स्मार्ट पॉइंट। तो गाइस अभी हमने दूध और चीनी तो ले लिया, तो अभी चलते हैं घर एंड फटाक से निकलते हैं प्रैक्टिस पे। एंड गाइस अभी मैं रॉन्ग साइड से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जस्ट राइट लेना आगे से, ये राइट लेके तो अभी जल्दी से घर पहुंचते हैं एंड निकलते हैं भाई स्टंट प्रैक्टिस के लिए। एंड उससे पहले गाइस मुझे ब्रेक पैड्स भी लेना है, सो उसके लिए भी चलेंगे दुकान अभी। सो गाइस अभी मम्मी का तो काम कर चुके हैं हमने, सो अभी चलते हैं अपने लिए ब्रेक पैड्स लेने। लेट्स गो। सो हियर वी गो गाइस, अभी मैं मांगो पुल पे हूँ एंड आगे मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है, अभी उसके साथ जाएंगे हम लोग एंड लेके आएंगे ब्रेक पैड्स एंड फिट करते हैं। ब्रेक पैड इसलिए लेने जा रहे हैं गाइस क्योंकि मेरा जो ब्रेक है पीछे वाला वो सही से वर्क नहीं करता है एंड बहुत आवाज भी करता है गाइस। सो लेट्स गो गाइस, अभी मिल चुके हैं हमें अपना दोस्त, सो निकलते हैं गाइस अभी ब्रेक पैड लेने। सो गाइस ये है जयप्रकाश, हमारे ग्रुप का न्यू मेंबर, और इसको आप लोगों ने ब्लॉग में बहुत कमी देखा होगा क्योंकि ये बहुत कमी आता है इस ब्लॉग में, ये थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है उतना। अभी तो हम लोग जा ही रहे हैं, ऑन द वे है, दुकान अभी आने वाला है आगे थोड़ा। सो लेट्स गो फटाफट। सो ये ब्रेक पैड तो मैंने परचेस कर लिया है जो कि है ये, एंड ये मेरे को कॉस्ट पड़ा है 150 रुपीज। गाइस ये मुझे परचेस करना पड़ा क्योंकि मेरा जो ब्रेक पैड है पीछे वाला वो बहुत आवाज करता है, ब्रेक इसमें ऑयल चल गया था इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज आता था, तो उसके वजह से ब्रेक पैड चेंज करने का प्लान हुआ। एंड अभी आगे चलते हैं सीट कवर कराने, क्योंकि ये जो सीट है इसके वजह से भाई मेरा हर एक पैंट गंदा हो जाता है। सो चलते हैं अभी आगे सीट कवर का कोई दुकान खोजते हैं एंड कराते हैं। सो गाइस अभी एक सीट हो चुका है भाई, अभी हम लोग गए थे अंकल के दुकान, तो अंकल ने बोला कि अभी जा रहे हैं वो नमाज पढ़ने एंड तुम लोग को अगर आना है तो 5 बजे आना। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी चलते हैं अपना ब्रेक पैड लगा लेंगे यहीं पे आसपास कहीं पे, बिकॉज गाइस हम लोग का प्रैक्टिस लोकेशन तो यहाँ से बहुत दूर है। सो गाइस वहाँ से वापस जाके आना है थोड़ा गुड आइडिया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी यहीं कहीं आसपास अपना ब्रेक पैड लगाते हैं फिर वापस चलते हैं सीट कवर कराने। पत्थर रख के
की थी मिलाज आपकी बेटे को चुरा था समय को होश नवाई ना सीखती नहीं थी Stranded, reaching out I call your name but you're not around I say your name but you're not around लेट्स गो गाइज, अभी हम लोग आए थे यहाँ पे ये मैदान एंड अभी मैंने अपना ब्रेक पैड सेट कर चुका है सो अभी तो पावर टेस्टिंग नहीं किया सो अभी करेंगे एंड जयप्रकाश भी अपना लगा है गियर सेट करने में, इसका कुछ दिन पहले से गियर खराब हो पड़ा था. लेट्स गो, अभी आपसे मिलते हैं सीट कवर की दुकान पे एंड अभी जस्ट निकलते हैं, 5 बजने जा रहा है सो अभी जाके सीट कवर कराते हैं गाइज. सो ब्रेक पैड तो लग चुका है गाइज अभी एंड अभी हम रोड पे हैं एंड भाई ये चेक करो पकड़. आप लोग देख रहे हैं हम लोग सीट दे चुके हैं अपना कवर करने के लिए अंकल को, अंकल अभी लगे हैं हमारे सीट कवर करने में एंड जयप्रकाश हम लोग के लिए ये लाया तो अभी पीते हैं सीट कवर कराते हैं एंड निकलते हैं प्रैक्टिस पे क्योंकि ब्रेक पैड भी लग चुका है हमारा एंड साइकिल ऑल सेट है सो लेट्स गो. हमारा सीट तो कवर हो चुका है जो कि है ये एंड ये वाला न्यू सीट कवर बहुत मस्त लग रहा है, जिसका रेड बॉर्डर है वो और मस्त लग रहा है भाई, जो इसका व्हाइट बॉर्डर था वो ठीक ठाक था वो भी अच्छा था बट ये ज्यादा मस्त लग रहा है एंड ये अभी तो न्यू कवर लगा है एंड देखते हैं अभी इसमें गंदा लगता है पैंट में या फिर नहीं सो अभी इसको लगाते हैं एंड चलते हैं प्रैक्टिस पे. बट गाइस अभी यही सब करते करते पूरा दिन तो निकल चुका है और अभी रात होने जा रहा है, अभी अंधेरा हो रहा है भाई सो चलते हैं प्रैक्टिस पे, देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो करते हैं एंड दैट्स इट, लगाते हैं निकलते हैं भाई चलो. तो आई ये रोड बाइक चेक करो भाई, अरे गजब भाई, भाई पूरा भगाया हुआ और ये साला पकड़ा हुआ है मेरे को और अभी है आप अपना हालत खराब हो जाता है. चल 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 भाई, ऑटो का इंतजार, अभी कोई ऑटो स्लो स्लो आएगा तो अभी पकड़ने का. अरे अरे वैसे ऑटो पकड़ाएगा भाई कुछ भी. अरे गियर लो करते हैं,
लेट्स गो। एंड गाइस ये चेक करो भाई, ये पार्क भी खुल चुका है, बहुत सारी आंटियां एंड अंकल बैठे हैं और कोई कोई टहल रहा है अंदर। एंड ये भी लेट नहीं है, किसी भी इस पार्क में भी चलेंगे हम लोग। लेट्स गो। सो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रैक्टिस लोकेशन पे। एंड अभी थोड़ा तो वैसे रात हो चुका है, बट जितना होता है उतना प्रैक्टिस करते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। सो लेट्स गो गाइस, प्रैक्टिस वॉज डन एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर होम एंड मिलते हैं आपसे आगे। एंड गाइस चेक आउट दिस, ये हमारे यहाँ का पिरामिड है जमशेदपुर का, जो कि आगे से और ब्यूटीफुल दिखता है। सो आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। एंड गाइस ये कुछ आगे का लुक, एंड ये देखो भाई पीछे मून भी है इतना प्यारा सा और पिरामिड भी लुकिंग ऑसम। ये हुआ ना भाई बात। एंड गाइस आज चांद बहुत प्यारा दिख रहा है भाई, ये चेक करो भाई, आज फुल मून है शायद, बहुत प्यारा दिख रहा है चांद। ये है कुछ हमारा पिरामिड, जमशेदपुर में गीजा का पिरामिड बना हुआ भाई, नाइस। लेट्स गो भाई, कैसे गेट खुलता है यार डायरेक्ट बिना देखे। एंड गाइस हम लोगों ने अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर चुका है, ऑलमोस्ट जितना भी साइकिल का था पेंडिंग वर्क वो हो चुका है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी और कुछ दिन जरूरत पड़ेगा हम लोग को। सो लेट्स गो गाइस, अभी पुल भी आ चुका है एंड घर भी आने वाला है। सो दिस वॉज द पुल एंड मून आ गया भाई, मून उस साइड चल गया, कोई बात नहीं गाइस। एंड आज जो मून का व्यू था ना यार बहुत मस्त था, लो बैटरी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है गाइस। सो वन मोर थिंग गाइस, हम लोग 1K के बहुत क्लोज हैं, सो आई थिंक वी हैव 900 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज इस गोल को कंप्लीट करा देना, हम लोग 1K के बहुत क्लोज हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना था गाइस, तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।